Hello students, here we discuss question number 27, topic area related to circle. A cow is tied with a rope of length 14 meter. At the corner of rectangular field of dimension of 20 meter into 16 meter. ये आपका हो गया 20 मीटर, ये हो गया आपका 16 मीटर. ए बी सी डी ठीक है, और ये रोप से डी पॉइंट से अगर इसको हमने काऊ को बांधा तो ये 14 मीटर आपका ये हो गया लेंथ ऑफ द रोप. इसको आप बोल दो डी और ये वाला पॉइंट हो गया आपका एफ. ठीक है, सो द काऊ can grass in the area DEF as shown in figure. It will be a sector of radius 14 meter and central angle theta is equal to 90 degree. So area of sector is equal to theta upon 360 degree into pi r square. So 90 upon 360 into 2 pi by 7 into 14 into 14. ये आ गया 154 मीटर स्क्वायर. ओके, तो इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था. ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया बताना है, तो ये एक सेक्टर बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया और ये 14 मीटर आपका क्या होगा, इसका रेडियस हो गया. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और आपका आंसर आ गया. थीटा आपका 90 डिग्री है ही सही, ये वाला एंगल जो है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विद द सेमी सर्कुलर एंड शोन इन फिगर. अब यहां पर आपको ये दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर और ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन में ये आपको ऑलरेडी फिगर और ये दो डेटा आपको दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 38 सेंटीमीटर है. तो आपको ये शेडेड रीजन जो है उसका एरिया बताना है इस पूरे का. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन वो आपको दे रखा है
10 सेंटीमीटर। सो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी सर्कल की रेडियस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, वो आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन वो आपको दे रखी है 38 सेंटीमीटर और विड्थ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्क्यूलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एल इंटू बी। क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आर आपका क्या आ गया था, 5 आ रहा था यहाँ पर, एल आपका 38 था, बी आपका 10 था, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया, ये हो गया 3.14 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर हो गया 25 प्लस ये हो गया 380, तो ये हो जाएगा 458.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड आपका ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला है आपका सेमी सर्कल है, ये वाला आपका सेमी सर्कल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ सेमी सर्कल हो गया और ये रेक्टेंगुलर का एरिया हो गया। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो टोटल एरिया आ गया ना आपका एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी देगा, इन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये डायमीटर है, ये इसका सेंटर मान लो आप, ए सी जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, बी सी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बताना है, तो शेडेड रीजन ये वाला है आपका। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इस सर्किल में से इस ट्राइंगल के एरिया को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, ए सी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आप ए बी फाइंड आउट कर लो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन अ ट्राइंगल ए सी बी, यहाँ पे आपको एक चीज ये भी दे रखी है कि एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, और इस ट्राइंगल में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप कर दोगे, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 यानी कि 100, यानी कि यहां से आपको पता लगा कि ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है। अब रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, ए बी बाय 2, क्योंकि ए बी तो क्या है, डायमीटर है, तो 10 बाय 2 ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस आपकी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या होता है, हाफ इंटू
एसी इंटू बीसी, ये हो जाएगा हाफ इंटू सिक्स इंटू एट, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल भी आप निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर आपका 5 दे रखा था, तो ये आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल आपको दे रखा है यहाँ 78.5 माइनस 24, ये क्या हो जाएगा 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहां सर्कल का रेडियस क्या दे रखा है आपको, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हेन द एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ ये एक सेक्टर है, इसका एंगल ये तो 60 डिग्री दे दिया, और इसको हम मिला देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ओ बोल दो इसको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट आप सी मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ दे रखा है ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस ही है। ठीक है ना, थीटा आपको यहाँ 60 डिग्री दे ही दिया, और इन ट्राइंगल ओ ए बी आपको पता है कि ओ ए ओ बी के बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो एंगल ओ ए बी एंगल ओ बी ए के बराबर होगा x डिग्री, इसको हमने कंसीडर कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा अब x प्लस 60 डिग्री, x डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यानी ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 60 डिग्री आ गई, यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये तीनों एंगल आपके क्या हो गए 60 डिग्री का हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई साहब, सो ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4, और साइड आपको दे रखी है 14। ठीक है, क्या दे रखी है 14, ये जो आर की वैल्यू है, राइट। तो यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 से 2 टाइम्स कटेगा, ये 7 टाइम्स कटेगा, 2 से ये भी 7 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 49√3। ठीक है, तो 49 इंटू 1.37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल, अब सेंट्रल एंगल यहाँ पे आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इससे ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा, ये तो हो गया 1/6, पाई की जगह रखा 22/7, और आर आपका है 14। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट होगा, ये इससे 3 टाइम्स कट हो जाएगा।
है, तो 22 इंटू 14 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपका, और हम ऊपर ट्राइंगल का एरिया भी निकाल चुके थे, तो अब सेक्टर में से हम ट्राइंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज इक्वल टू 102.67 माइनस 84.77 यानी कि आ गया 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next video.